हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने बेसिक्स देखा कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना, एनाटॉमिसिटी क्या होती है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, राइट, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल का बेसिक पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें मैंने आपको केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल रिएक्शंस के बेसिक के बारे में बताया था कि आपके केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसमें रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ। कुल मिलाकर 3 लॉज होते हैं, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। अभी के लिए हमारे कोर्स में लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। तो पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम में ये कि मास क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। नाम में ये दिया किसने था इसको, है ना, इसको दिया था एल लेवाइजर ने, है ना, एंटोइन एल लेवाइजर नाम था इनका, है ना, एंटोइन एल लेवाइजर, लेवाइजर नाम था इनका, ठीक है। इन्होंने दिया था, फ्रेंच केमिस्ट थे, है ना, फ्रांस के थे, है ना, बहुत ही अच्छे केमिस्ट हैं और ये फादर ऑफ केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री के पिताजी भी। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये लॉ किसने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाय, वाज गिवन बाय एल लेवाइजर, है ना, एल लेवाइजर भी बोलते हैं इसको। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है, मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री तो है, है ना, ये वो नाम, लेकिन ये फादर हो गए केमिस्ट्री के, मतलब केमिस्ट्री के फादर के रूप में जाने जाते हैं, यू नो, इतने फेमस हैं फिर, है ना, ऐसे लोग होते हैं अपना नाम करके जाते हैं, ठीक है। आप भी ऐसे कुछ करो, है ना, नहीं कुछ तो मतलब कुछ किसी बढ़िया चीज के तो फादर बन के जाओ, है ना। अब कुछ बच्चे मजाक मजाक कहते रहते हैं कि फादर बनना तो तय ही है ना, वो फादर नहीं, ये फादर मतलब केमिस्ट्री के फादर है, राइट, है ना। तो ऐसे जोक चलता रहता है कि भाई केमिस्ट्री का फादर होना क्या बड़ा, है ना, हर कोई किसी न किसी का फादर होता ही है, हर एक केमिस्ट्री का फादर है, केमिस्ट्री वर्ल्ड वाइड नोन है, राइट, है ना। तो केमिस्ट्री के फादर है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्होंने 1774 में प्रपोज किया था इस लॉ को, 1774। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो फर्स्ट लाइन शुड बी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोइन एल लेवाइजर, एल लेवाइजर हु वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड प्रपोज दिस लॉ इन 1774। ये सब याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए बता रहा हूँ। एल लेवाइजर ने दिया 1774 में दिया था, है ना, किसने दिया था, एल लेवाइजर ने दिया था 1774 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में भी जाने जाते हैं, he is popularly known as father of chemistry, right? तो इस लॉ का कहने का क्या मतलब था, बेसिक था कि इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। According to this law, mass can neither be created nor be destroyed. है ना, mass ना ही create किया जा सकता है, ना ही destroy किया जा सकता है। Simple सी बात है, इन्हें chemical reaction, इन्हें chemical reaction। तो ये law किस चीज़ पे based था? कि भाई जो mass होता है, वो conserve रहता है ना? ना ही आपका create किया जा सकता है, ना ही बर्बाद किया जा सकता है। तो what should be, है ना, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। है ना, तो जो आपका mass होता है, वो ना ही क्रिएट किया जाता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है इन केमिकल रिएक्शन। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, राइट। इसका मतलब क्या है, इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। दूसरे भाषा में कहें तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसके इक्वल था, मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल था, राइट। सीधी सी बात है, कहना चाह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाम में ये कि इसमें मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मास क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। किसने दिया था, एल लेवाइजर ने दिया था, किसने दिया था, एल लेवाइजर ने दिया था, ठीक है, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री थे, जो कि आपके क्या थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री थे, ठीक है। 1774 में लॉ दिया था, उन्होंने बोला था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन।
इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट का मास आपका प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा वही, है ना, कुल मिला के उतना ही क्या होगा आपका प्रोडक्ट का मास होगा। इसका मतलब मास कंजर्व हो गया ना। अगर ए और बी ने रिएक्शन करके सी एंड डी बनाया, इट मीन्स ए और बी का मिला के जितना मास होगा उतना ही सी और डी का भी होना चाहिए, ए और बी का जितना मास होना चाहिए उतना ही सी एंड डी का भी होना चाहिए। तो मास आप कह सकते हैं मास ऑफ ए प्लस बी, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, है ना, मास ऑफ ए प्लस बी मतलब मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी प्लस मास ऑफ डी, राइट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मास जो रहता है आपका कंजर्व रहता है, मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यहां पे देखो रिएक्टेंट कौन कौन से थे, ए और बी था, रिएक्टेंट कौन कौन से थे, ए और बी था, है ना। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कौन कौन से थे, प्रोडक्ट आपके सी एंड डी थे, प्रोडक्ट आपके कौन कौन से थे, सी एंड डी। तो मास ऑफ ए जो है किसके इक्वल था, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, यानी कि रिएक्टेंट का मास, है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट, बेसिकली मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सी एंड डी क्या था आपके प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट्स के मास, राइट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सिंपल सी बात है। इस पे क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे, है ना, इस पे क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा कह रहा है केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक केमिकल रिएक्शन CaCO3, अब डिटेल में आप लिखना, क्वेश्चन में आपको शॉर्ट में बताता हूं, केमिकल रिएक्शन CaO CaO प्लस CO2, है ना, CO2, है ना। कह रहा है एक केमिकल रिएक्शन जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बन रहा है, क्या बनना, CO2 गैस बन रहा है। कह रहा है आपसे कि मान लिया रिएक्शन जो हुआ वो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका हुआ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का, और क्या बना 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना, है ना। तो पूछ रहा है कितना मास कार्बन का बना, CO2 का बना हुआ, कितना मास CO2 का बना हुआ। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 दिया हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या रिएक्शन दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया हुआ 100 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया हुआ 100 ग्राम, और कैल्शियम ऑक्साइड का वेट होगा आपका 56 ग्राम। इतना दिया हुआ है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट टू फॉर्म 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, देन व्हाट शुड बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप मास लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट मान लिया किसका मास x, मान लिया किसका मास x है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास कितना 100 ग्राम दिया हुआ, कितना दिया 100 ग्राम दिया हुआ, रिएक्टेंट आपका क्या CaCO3 उसका मास 100 ग्राम दिया हुआ। तो दिस 100 ग्राम शुड बी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मास कितना 100 ग्राम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मास कितना आएगा 56, कैल्शियम ऑक्साइड का मास प्लस CO2 का मास, मास ऑफ CO2 जिसको हमने x माना, मास ऑफ CO2 जिसको हमने x माना है। तो 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम आपका क्या है, वो आपका मास ऑफ CaCO3, 100 ग्राम आपका क्या है मास ऑफ CaCO3, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, है ना। तो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड का मास, आपके कितने प्रोडक्ट है कुल मिलाकर, दो कैल्शियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट है और एक CO2 प्रोडक्ट है, राइट। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास होगा आपका 56 और दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या है CO2, दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या है CO2 है, उसका मास x है। तो इसमें लिख लिया, तो 100 ग्राम शुड बी 56 ग्राम प्लस x ग्राम, तो यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 56 दैट कम्स आउट टू बी 44 ग्राम, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। काफी आसान था ये, राइट, नोट करो इसको। चल चलिए, तो हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन रखना। उसी तरीके से बहुत ऐसे बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं, क्वेश्चन देखें एक और।
एक और कर लेते हैं कि C प्लस O2 गिव्स CO2, है ना। बोला है कि आपका CO2 जो बना वो 44 ग्राम बना, कितना बना 44 ग्राम। ऑक्सीजन जो रिएक्ट किया वो 32 ग्राम किया है, तो कार्बन का मास आपको बताना है, केमिकल रिएक्शन है, कार्बन का मास आपको बताना है। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट करना है। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, x plus 32, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, है ना। तो माना कार्बन का मास जो रिएक्ट किया होगा वो x होगा, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ O2, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ O2, कार्बन का मास प्लस O2 का मास, कार्बन का मास प्लस O2 का मास, x plus 32 is equal to 44 ग्राम। क्या होगा आपका 44 ग्राम। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना, 32 plus x is equal to मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहां से x की क्या वैल्यू आ गई, 44 minus 32, यहां से आ जाएगा x is equal to 12 ग्राम, यानी कि 12 ग्राम कार्बन ने रिएक्ट किया होगा। आंसर शुड बी 12 ग्राम कार्बन शुड रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ CO2, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। चल नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से पहले मैं चीज पढ़ेंगे AMU, क्या पढ़ेंगे AMU या U बोलते हैं, AMU का फुल फॉर्म, AMU और U क्या होता है। देखो जो AMU होता है उसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले जरूरी है कि आप इसको भी क्लियर रखें, ठीक है, काम आएगा क्योंकि बीच में आपको यूनिट की जरूरत पड़ेगी। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म आप आसानी से लिख सकते हो एटॉमिक मास यूनिट, और U का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफाइड मास, क्या होता है, यूनिफाइड मास। दोनों एक ही बात है, दोनों में से आप कोई भी यूज करो चलेगा। AMU का क्या फुल फॉर्म है, एटॉमिक मास यूनिट, राइट, क्या फुल फॉर्म है, एटॉमिक मास यूनिट। एंड यू का क्या फुल फॉर्म है, यूनिफाइड मास। ये क्या है, ये क्या है, जैसे आप क्या कहते हो, जैसे आप लेंथ मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हो, है ना, मीटर का यूज करते हो, मीटर का यूज करते हो, किलोमीटर का भी यूज करते हो, सेंटीमीटर का भी यूज करते हो, मिलीमीटर का भी यूज करते हो। तो एक कोई पर्टिकुलर चीज मेजर करने के लिए आप बहुत तरह की यूनिट यूज कर सकते हो, जैसे आप वेट मेजर करने के लिए ग्राम भी यूज करते हो, मिलीग्राम भी यूज करते हो, केजी भी यूज करते हो, क्विंटल भी यूज करते हो, टन भी यूज करते हो, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, है ना, चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर कन्वीनियंस, राइट। जैसे कपड़ा वपड़ा नापना होता तो हम मीटर में लेते हैं, कोई दूरी नापनी होती तो हम किलोमीटर में लेते हैं, उसी तरीके से वेट वगैरह कोई भारी भरकम, है ना, गाड़ी वाड़ी का वेट होता है उसे क्विंटल या टन में करते हैं। आप कोई चावल वावल खरीदने जाते हो किलो में खरीदते हो, केजी में खरीदते हो। तो ये AMU और U भी क्या है, ये आपका यूनिट है किसका, यूनिट ऑफ मास, किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ मास, ये मास का यूनिट है ना। AMU और U, आप AMU बोले या U बोले बात एक ही है, एटॉमिक मास यूनिट, या U का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास, U का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास, ठीक है, क्या होता है, यूनिट ऑफ मास होता है। ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल यूनिट होता है, क्या होता है, बहुत ही स्मॉल यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट है जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल का वेट मेजर करने के काम आती है। वी यूज दिस टू रिप्रेजेंट मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। AMU क्या है आपका, AMU जो है इसका फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, और U का फुल फॉर्म आपका यूनिफाइड मास। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट एंड U का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास। ये मास की यूनिट है, किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है, बहुत ही स्मॉल यूनिट है, इसीलिए इसको हम एटम और मॉलिक्यूल का मास मेजर करने के लिए आते हैं। अब एटम क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। आप अगर एक ग्राम पानी ले लो, आप अगर एक ग्लास पानी ले लो, उसमें आपको मिलियंस मिलियंस से भी बहुत ज्यादा मेटल्स होंगे, सॉरी एटम्स होंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स होंगे। आप बहुत एक ग्राम ऐसे बिल्कुल एक ग्राम है ना, बिल्कुल एक ग्राम आप पानी ले लो, उसमें आपके मिलियंस से भी ज्यादा आपके वाटर मॉलिक्यूल होंगे, एटम्स होंगे। तो क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल का वेट बहुत ज्यादा कम होता है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल का वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है ना। दीज हैव वेरी 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 लेस मास, दीज हैव वेरी वेरी लेस मास, वेरी वेरी लेस मास, इनका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। दीज हैव वेरी वेरी लेस मास, इनका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, इनका मास बहुत ज्यादा कम होता है, राइट। तो आपके जो होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल का मास बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए इसके लिए बहुत छोटी यूनिट यूज करते हैं।
और वो यूनिट क्या आपकी एमयू और यू। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल का वेट मेजर करने के लिए, वेट रिप्रेजेंट करने के लिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का वेट रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, वी यूज एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, राइट, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। एटम्स एंड मॉलिक्यूल का वेट मेजर करने के लिए वी यूज एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, राइट। ये यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ मास होती है, मास यूनिट डेफिनेटली, हम वेट मेजर कर रहे हैं मास। एक बात याद रखें, फिजिक्स में आप मास पढ़ते हो वेट पढ़ते हो और दोनों अलग अलग चीज होती है, दोनों का डिफिनेशन भी अलग अलग होता है बच्चों। फिजिक्स में मास और वेट में बहुत डिफरेंस होता है, मैं भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, चिल है ना, मस्त रहो, आराम करो। मास और वेट क्या होते हैं केमिस्ट्री में, बिल्कुल सेम टर्म होते है ना, हमें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वालों को मास और वेट में डिफरेंस समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये पूरा आराम रहने वाला, पूरा केमिस्ट्री पढ़ते टाइम आप मास और वेट मस्त लिखिए, जहां मन करे मास लिखिए, जहां मन करे वेट लिखिए, बस ये गलती फिजिक्स में मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल का मास बहुत छोटा होता है, इसलिए हम बहुत स्मॉल यूनिट यूज करते हैं, वो यूनिट आपका एमयू और यू। तो एक एमयू आपका किसके इक्वल होता है, वन एमयू आपका, वन एमयू आपका ग्राम में इक्वल होता है, ध्यान दो, वन एमयू और यू, आप जो भी लिखना चाहे लिखिए, वन एमयू इक्वल टू होता है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, या फिर आप लिख सकते हो 1.66 × 10⁻²⁷ kg, दोनों में से आप कुछ भी लिखिए चलेगा, ठीक है। तो 1 amu is equal to 1.66 × 10⁻²⁴ kg, 1 amu is equal to 1.66 × 10⁻²⁴ kg, sorry ग्राम, या 1.66 × 10⁻²⁷ kg, आप ग्राम और kg में आप जो मन करे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान देना, लॉ ऑफ सेकेंड है आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, नाम में कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ध्यान देंगे लॉ क्या कहता है, ये लॉ दिया था आपका 1797 में एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था जेएल प्राउस्ट, क्या नाम था, जेएल प्राउस्ट, पॉपुलरली नोन एज प्राउस्ट, प्राउस्ट ज्यादा फेमस है। तो आप प्राउस्ट पढ़ते हैं, राइट। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपका क्या है, 1797 में किसने दिया था, जेएल प्राउस्ट ने दिया था। तो पहले स्टेटमेंट देख ले क्या है, फिर मैं आपको समझाता हूं, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है, फिर मैं आपको समझाता हूं। स्टेटमेंट है, एक केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज फाउंड बाय सेम एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड, इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। तो ये कह रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना, जो जेएल प्राउस्ट ने दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो कि जेएल प्राउस्ट ने दिया था 1997 में, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज फाउंड बाय द सेम एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कहने का क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूं, ये लाइन अभी रुक जाए है ना, ये लाइन आप रट भी सकते हैं लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि वाटर को आप कहीं से भी ले लें, जैसे वाटर है इसको आप कहीं से भी ले लें, चाहे लेक से ले, है ना, चाहे वाटर को आप रिवर से ले लें, चाहे आप टैप से ले, चाहे आप ग्लेशियर पिघलने से ले, चाहे आप ग्लेशियर से ले, है ना, वाटर को कहीं से भी लेंगे, है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता था, वाटर को कहीं से भी ले, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, वाटर हमेशा एक ही टाइप के एलिमेंट से बना होगा, वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O ही होगा, H2O ही है, वाटर हमेशा किससे किससे बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा, साथ में इनका रेशियो भी फिक्स होगा। जैसे हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का वेट होता है 1 mu, तो दो हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, 2 mu,
2 mu, तो हाइड्रोजन का वेट होगा 2 mu और ऑक्सीजन का वेट होता है, धीरे धीरे याद होगा, मास वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं सब मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ऑक्सीजन का मास होता है 16 mu, क्या होता है 16 mu, है ना। तो जेएल क्राउस ने क्या बोला था, जेएल क्राउस ने बोला था ये कोई केमिकल कंपाउंड होगा, वो चाहे जहां से भी लिया जाए, चाहे लेक से लिया जाए, चाहे रिवर से लिया जाए, चाहे टैप से लिया जाए, चाहे ग्लेशियर से लिया जाए, वो हमेशा किस फॉर्मूले में होगा, हमेशा सेम एलिमेंट से बना होगा। तो वाटर ऐसा नहीं होगा कि आप वाटर को टैप से लोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा, और वाटर को अगर रिवर से लोगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन से बना होगा। यानी कि पहली चीज हमको समझना है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, सोर्स कोई भी लो वो हमेशा सेम एलिमेंट से बने, है ना। कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड आप कहीं से भी लो, चाहे लेक से ले रहे, चाहे आप रिवर से ले रहे, चाहे कहीं से भी ले रहे, वो हमेशा कैसे बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ, हमेशा किससे बना हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ। पहली चीज हमेशा किससे बना हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ। तो एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज फाउंड, है ना, ऑलवेज फाउंड बाय सेम एलिमेंट, ऑलवेज फाउंड बाय एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज फाउंड बाय सेम एलिमेंट, हमेशा उस सेम एलिमेंट से बना हुआ। देखो ये चीज तो क्लियर हो गई कि वाटर कहीं से भी लेंगे तो वो हमेशा सेम एलिमेंट से बना होगा, यानी कि हाइड्रोजन से बना होगा और ऑक्सीजन से बना होगा, ठीक है। When they combined in a fixed proportion by mass, in a fixed ratio proportion or ratio by mass. अब मास का रेशियो देख लेते हैं। अब वाटर को आप कहीं से भी लोगे, हमेशा मास जो आएगा कितना आएगा, हाइड्रोजन का मास कितना आएगा, वाटर का कुल मास कितना होता है, देखो ऑक्सीजन का 16 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 mu होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो दो हाइड्रोजन कुल मिला मिला के 2, तो टोटल वाटर का वेट होता है 18 mu, सॉरी। तो हाइड्रोजन का वेट कितना है, हाइड्रोजन का वेट आपका एक हाइड्रोजन का वेट 1 mu, एक हाइड्रोजन का वेट 1 mu, दो हाइड्रोजन का वेट कितना 2 mu, एक हाइड्रोजन का वेट 1 mu, तो 2 हाइड्रोजन का वेट है 2 mu, राइट। 1 हाइड्रोजन का वेट 1 mu, तो दो हाइड्रोजन का वेट है आपका 2 mu, राइट 2 mu। ऑक्सीजन का वेट 16 mu। तो आपने देखा वाटर कैसे बना हुआ है, वाटर आपका 2 mu आपका हाइड्रोजन से बना हुआ है और 16 mu ऑक्सीजन से बना हुआ है। रेशियो निकालोगे 2:16 का, कितना आएगा 1:8। तो वाटर आप कहीं से भी ले, हाइड्रोजन का मास 1:2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास 1:8 में रहेगा, मास रेशियो, मास रेशियो कितने में रहेगा 1:8 में रहेगा। तो कह रहा है जेएल प्रोस्ट का कहना था, जेएल प्रोस्ट का कहना था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जेएल प्रोस्ट ने बोला था ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज फाउंड बाय द सेम एलिमेंट, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज फाउंड बाय द सेम एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, जब वो एक साथ मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। तो एनी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज फाउंड बाय द सेम एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, जैसे आपका वाटर था, तो वाटर को चाहे लेक से लो, चाहे रिवर से लो, चाहे टैप से लो, चाहे ग्लेशियर से लो, वाटर को चाहे लेक से लो, चाहे रिवर से लो, चाहे टैप से लो, चाहे ग्लेशियर से लो, चाहे जहां से भी लो, वाटर हमेशा सेम एलिमेंट से बना होगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा पहली बात, और उनका मास रेशियो हमेशा 2:16 यानी कि 1:8 में होगा, ये पक्की बात है, है ना। कोई डाउट है तो पूछे, है ना, मतलब पूछे मतलब पूछ लीजिएगा। देखो ये लाइव क्लास का अपने आप निकल जाता है ना, लाइव क्लास में बहुत मजे आते हैं, आप IIT वगैरह का लाइव क्लास करेंगे तो उसमें आप बहुत एंजॉय करेंगे, राइट। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारा हो गया, राइट। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था क्या, इसको 1797 में जेएल क्राउस ने दिया था, है ना। ये क्या कह रहा था, ये केमिकल कंपाउंड ऑलवेज फाउंड बाय द सेम एलिमेंट्स, कोई केमिकल कंपाउंड जैसे वाटर है, चाहे उसको लेक से लिया, चाहे रिवर से लिया, चाहे टैप से लिया, चाहे ग्लेशियर से लिया, वो हमेशा सेम एलिमेंट से बन जाएगा, वो हमेशा किससे होगा, सेम एलिमेंट से बना रहेगा। जैसे आपका वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, वाटर किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वाटर किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, राइट। तो हमेशा सेम एलिमेंट से बना होता है, वो हमेशा क्या होता है, सेम एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, जब वो कंबाइन करते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, इनके मास के रेशियो अगर आप देखेंगे तो 2:16 आ रहा है, दैट इज 1:8 आ रहा है, तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए अब देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्या देखेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सर जैसे है ना आपका जो था जो डाल्टन सर थे, सर जॉन डाल्टन जो थे, वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जल्दी जल्दी इसकी पोस्टुलेट लिख लेते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
स्कूल एग्जाम वगैरह पूछता है, इसीलिए पढ़ लिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का इन्होंने क्या बोला था, है ना, इन्होंने बोला था एटम, सॉरी एनी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ, मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम। मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसे हम एटम कहते हैं, ठीक है। इन्होंने और क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि आपका एटम्स आर सेम एलिमेंट्स आर सेम एंड एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ऑल्सो इन्होंने बोला था एटम कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो, एटम कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट, मतलब एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसे बहुत सारे पॉइंट बोले थे, है ना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। इन्होंने क्या बोला था, डाल्टन के चार पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स थे, है ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत बड़ी थी, बहुत सारे पॉइंट्स से मुझे पता है, बट आपको रटना जरूरी नहीं, उसको आप रट के ना रखें, याद करके ना रखें, जरूरत नहीं आएगा, काम नहीं आएगा आपके, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट थे, जिसमें से आपका पहला पॉइंट था, इन्होंने बोला था मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम, मैटर आपका एटम से बना होता, इन्होंने क्या बोला मैटर आपका किससे बना होता, एटम से बना होता। तो डाल्टन का पहला पॉइंट क्या था कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम, मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम, मैटर किससे बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं, मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम, राइट, मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम, है ना, मैटर आपका किससे बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसे एटम के नाम से जानते हैं, मैटर इज कंसिस्ट ऑफ एटॉमिक, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम, राइट, किस नाम से जाना जाता है, एटम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बोला एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, इन्होंने बोला सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो सेम होते हैं एंड डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो डिफरेंट होते हैं, सेम एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो सेम होते हैं एंड डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटम डिफरेंट होते हैं, सेम एलिमेंट्स के, है ना, एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं एंड डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, राइट, सेम एलिमेंट्स के, है ना, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, है ना, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, राइट, एटम क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स के सेम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट होते हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट्स के एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं एंड डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फिर क्या बोला इन्होंने कि एटम कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, है ना, ये जो पॉइंट है एटम कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, ये पॉइंट आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से मिलता जुलता नहीं लगता है कि फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, है ना, एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, ये जो है जो ये पास्टुलेट है, ये डाल्टन्स के आपके क्या है, पास्टुलेट्स, क्या है, पास्टुलेट्स भी बोलते हैं, डाल्टन्स के पास्टुलेट्स, राइट, तो डाल्टन ने बहुत सारे पास्टुलेट दिए थे, उसमें जो थर्ड पॉइंट आपका एटम कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, एटम कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, राइट, एटम कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, एटम आपका क्या है, कंबाइन करता है इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, है ना, ये रेशियो, है ना, ये जो पॉइंट है वो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप मास से एकदम मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास, सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि एटम कंबाइन इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, ये जो पॉइंट है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से क्या होता है, मिलता जुलता है, उससे बिल्कुल मैच करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से, राइट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से क्या करता है, मैच करता है,
तो कहता है कि डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट था जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से मिलता जुलता है। डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट था जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से मिलता जुलता है, वो ये वाला था कि एटम कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। अब इसको देखो आप, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये किससे मिलता जुलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किससे मिलता जुलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मिलता जुलता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मिलता जुलता है, राइट। तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो ये पॉइंट किसमें हेल्प करता है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर पूछे कि डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से मिलता जुलता है, तो वो आपका क्या होगा, एटम कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड इससे। और कौन सा आपका पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मिलता जुलता है, वो है आपका कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब आते हैं ड्रॉबैक्स के ऊपर, अब आते हैं ड्रॉबैक्स के ऊपर कि डाल्टन का ड्रॉबैक क्या था, है ना, डाल्टन का ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या थे, राइट। पहला ड्रॉबैक क्या था आपका, इन्होंने बोला था कि एटम जो है स्मॉलेस्ट होता है, जबकि बाद में एटम से भी छोटे होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आगे पढ़ाया जाएगा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो डाल्टन के हिसाब से एटम सबसे छोटा, डाल्टन के हिसाब से क्या होता है, एटम सबसे छोटा होता है, लेकिन असलियत में एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, एंड दे आर स्मॉलर देन एटम, दे आर स्मॉलर देन एटम, सीधी सी बात है, एटम इन्हीं से मिल बना होता है। तो डाल्टन के हिसाब से डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, डाल्टन ने क्या बोला था, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एटम आपका क्या है, स्मॉलेस्ट, डाल्टन के हिसाब से एटम क्या है आपका, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, डाल्टन के हिसाब से एटम क्या है आपका, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट, डाल्टन के हिसाब से एटम क्या है आपका, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट। लेकिन असलियत में क्या होता है, ड्रॉबैक इसका क्या है कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये पहला ड्रॉबैक है, पहला ड्रॉबैक क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एटम से भी छोटे होते हैं, बट है ना, पहला ड्रॉबैक क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो एटम से भी छोटे होते हैं, बट डाल्टन के हिसाब से एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल था, ये गलत बात। दूसरे और तीसरे आइसोटोप्स, है ना, दूसरे और तीसरे ड्रॉबैक जो वो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको भी समझ में नहीं आएगा जब आपको हम पढ़ाएंगे आइसोटोप्स और आइसोबार, स्ट्रक्चर आप एटम चैप्टर में पढ़ाएंगे हम आपको आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ये भी उसके ड्रॉबैक, आइसोटोप्स और आइसोबार ये ड्रॉबैक थे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होंगे क्योंकि अभी आपको इसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा होगा, आइसोटोप्स और आइसोबार का मतलब ही आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी के लिए फिलहाल आप याद रखें, पहला वाला पॉइंट आप अच्छे से समझ लें, दूसरा आइसोटोप्स और आइसोबार आप चाहें तो वर्ड याद रखें, इसको डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे, ये टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ये भी ड्रॉबैक था आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा पढ़ा हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फिर हमने देखी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उसका ड्रॉबैक। इसी के साथ लेक्चर नंबर 3 ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल होता है खत्म, मिलेंगे अगले लेक्चर में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।